नमस्कार, जय जगन्नाथ दोस्तों। A1 क्रिकेट स्टूडियो में आप सबका स्वागत है। लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। उससे पहले चलिए थोड़ा सवाल पे चलते हैं। आज का सवाल है MD हिलाल शेख जी का, कि डायर सवाल पे चलते हैं, बाद में हम उनकी कमेंट अच्छे से पढ़ेंगे। उनके पास 1000 वाट की दो बेस है, स्ट्रेंजर PB के 4K एक एम्पलीफायर है और एक चैनल पे वो बजाना चाहते हैं। 1000 वाट के दो बेस एक चैनल पे, दूसरे चैनल पे वो बजाना चाहते हैं। 850 वाट की दो टॉप दूसरी चैनल पे वो बजाना चाहते हैं। कैसे बजेगा, कैसे कितना ओम पे बजेगा, चलिए इसका वीडियो बनाएंगे। बहुत रिक्वेस्ट किए हैं तो चलिए आपका वीडियो आज बन गया। चलिए बात करते हैं। तो उससे पहले वीडियो को जरूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में अगर अच्छा लगा तो, और बाकी जो नए हैं जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऐसे ऐसे वीडियो आपको मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। उससे पहले देखते हैं कि स्ट्रेंजर की SPB 4K जो चैनल देख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट बैक दोनों पैनल मैंने दिखाया है। चलिए फ्रंट पैनल थोड़ा क्लोजली देखते हैं। ये है, आप देख सकते हैं डुअल चैनल पावर एम्पलीफायर जो कि है 2x2000 वाट की RMS आउटपुट है, 2 ओम पे बैलेंस अनबैलेंस इनपुट है, वो सारा चीज़ मैं दिखाऊंगा आपको। कूलिंग फैन आपको 2 नंबर मिलेंगे, 4 इंच के क्लिप कंट्रोल है यहाँ पे फ्रंट पे, मैं आपको वो भी दिखा दूंगा। आउटपुट व्यू मीटर, टेम्परेचर DC, RFI शॉर्ट सर्किट ओवरलोड भारत प्रोटेक्शन है, 32 kg का है और इसकी जो प्राइस रहेगी 30 से 35 हज़ार के अंदर है। मैं यहाँ पे बता दे रहा हूँ, आप जो लोग देख रहे हैं 30 से 35 हज़ार, तो आप थोड़ा बार्गेनिंग करेंगे तो आपको थोड़ा सस्ते में मिलेगा। तो चलिए डीलर से ही लीजिए, हमेशा बोलता हूँ डीलर से ही लीजिए, वरना आप बाहर से ले लेंगे तो आपको बहुत ज़्यादा पैसा ही देना पड़ेगा। तो चलिए बात करते हैं। यह है आपकी फ्रंट पैनल SPB 4K की। थोड़ा बात कर लेते हैं यहाँ पे स्पीकर प्रोटेक्शन, टेम्परेचर, लाइन हाई चेक, पावर सारे यहाँ पे दी गई है। प्रोटेक्शन अगर कहीं पे कुछ प्रॉब्लम आता है तो यहाँ पे आपको LED जल जाएगी। और पिक्चर इस चैनल, ये चैनल ए का चैनल ए है, ये चैनल बी है, दो चैनल है डुअल पावर एम्पलीफायर। और जहाँ पे आपको ओरिजिनल जो वहाँ पे फ्रंट पे आपको 2x2000 वाट पर चैनल और 2 ओम लोड लिखा रहता है, ऑन ऑफ स्विच है, क्लिप कंट्रोल की यहाँ पे फैसिलिटी दी गई है। आप देखेंगे अगर आपका ज़्यादा क्लिप चला जाता है, ज़्यादा आपकी जो वॉल्यूम है बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये आपको प्रोटेक्शन दे, क्लिप कंट्रोल कर देता है। और ये आप इसकी गेन बढ़ाने के लिए चैनल ए का, चैनल बी का वॉल्यूम बढ़ाने के लिए। अब बैक पैनल चलते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे इनपुट के लिए XLR दी गई है जैसे नॉर्मल पावर एम्पलीफायर में रहता है। मॉडल नंबर लिख गई है और सर्किट ब्रेकर यहाँ पे ट्रिपिंग का दी गई है। और देखें दो फैन जैसे हमने बात किया था दिया है, और स्पीकर लगाने के लिए स्पीकर कनेक्टर्स और दी गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे भी है वाइंडिंग, तो बहुत अच्छा स्पीकर से लगाइए, समय से अच्छा रहेगा। अब चलते हैं जो मेन मुद्दा है हमारा सवाल के ऊपर। ये तो हो गई पूरी बात, 30 से 35 हज़ार के अंदर ये आपको मिलेगी और डीलर से लीजिए, अच्छा है ये। और चलिए स्ट्रेंजर की बहुत सारे एम्पलीफायर्स अच्छे रहते हैं, PVD सीरीज, ये सीरीज अच्छे होते हैं, आप चाहे तो ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब सवाल है, पहला सवाल, कैलकुलेशन शीट आपके सामने, A1 क्रिएटिव स्टूडियो की कैलकुलेशन शीट है। सवाल था कि 1000 1000 वाट की दो बेस ये चलाना चाहते हैं इस पर चैनल, यहाँ पे 1000, यहाँ पे 1000। अब देखिए 1000 वाट की जो बेस होती है वह 8 ओम की जनरल होता है, तो दो बेस 8 ओम, 1000 वाट 8 ओम पैरेलल, 1000 वाट 8 ओम, क्योंकि दो को आप पैरेलल करेंगे, क्योंकि इसका प्लस जोड़ेंगे, इसका माइनस जोड़ेंगे, दो यार निकला दोनों को, इसका प्लस ये माइनस है, माइनस निकला रेड ब्लैक, और आप स्पीकर पे लगाएंगे और इसके पीछे लगा देंगे। ओके, सिंपल सी बात है, ऐसे ही पैरेलल करना है, इसका रेड जोड़ो, इसकी ब्लैक ओ यार को जोड़ो, रेड ब्लैक दो यार मिल गया। अब दोनों को इस ये सोच लीजिए रेड ये ब्लैक, तो ये दोनों को आप दो यार अब निकला, ये दोनों को एक ही सॉकेट पर डालिए और इस पर डालिए, तो पैरेलल हो गया। अब देखिए बहुत लोग वो भी पैरेलल की बात करते हैं, कैसे पैरेलल करना है, ऐसे ही पैरेलल आप कर सकते हो। अब दूसरी बात है 1000 वाट 8 ओम, 1000 वाट 8 ओम तो होता है अप्रोक्सीमेटली 2000 वाट 4 ओम पे, ध्यान से सुनिए, 2000 वाट 4 ओम होता है, क्योंकि पैरेलल आपने किया 8 8 ओम पैरेलल किया तो 4 ओम होता है, तो 2000 वाट 4 ओम। देखिए ये 2000 वाट 2 ओम पे देता है, 4 ओम में नहीं देता। 4 ओम पे ये कितना देता है, चलिए मैं आपको एक अंदाजा से बता देता हूं कितना देता होगा। चलिए मैं आपको एक सीट दिखाता हूं, प्रूफ दिखाता हूं कि 2000 वाट
दो ओम पे देने वाला जो देता है जो एम्पलीफायर, वो चार ओम पे कितना देगा? तो चलिए देख लेते हैं, थोड़ा सीट है ये कैलकुलेशन सीट, आप देख दिखाता हूँ मैं स्टूडियो मास्टर कैलकुलेशन सीट 6 में अप्रोक्सीमेटली। तो देखिए यहाँ पे दो ओम पे दिखा रहा हूँ आप, देखिए यहाँ पे 2200 वाट, देखिए ये दो ओम पे 2200 वाट देने वाला, 2250 वाट देने वाला एम्पलीफायर पीए, जो PA 4.5 है स्टूडियो मास्टर की, वो आपको चार ओम पे देता है 1600 वाट। ये देखिए ट्रू RMS 1600 वाट, यानी ये अगर ये 2000 वाट होगा तो ये डेफिनेटली 1500 वाट होगा, चार ओम पे 1500 वाट, और बाकी 8 ओम पे कितना आएगा, ये 800 वाट। तो ये जो 2000 वाट अगर हो जाता, ये 2000 वाट अगर दो ओम पे देता तो इसका 1500 वाट। तो चलिए हम लोग बात करते हैं, इसका मतलब ये होता है। तो ये सवाल पे हम लोग बात करेंगे, तो ये एक्चुअली आपको कितना देगा, आप 1500 वाट चार ओम पे ही ये आपको आउटपुट देगा पर चैनल, 1500 वाट चार ओम पे। जब ये देगा 1500 वाट तो आप चलाने वाले हो 2000 वाट, देगा ये 1500 चार ओम पे, आप चलाएंगे 2000 वाट। बेस चलाना है तो कैसे चलेगा, मेरे ख्याल से आपको ये चलेगा नहीं, इतना अच्छा पंच आपको मिलेगा नहीं, पहली बात है मिलेगा नहीं, क्योंकि 2000 ये अगर टॉप होता तो ठीक है, हाँ चला लो, लेकिन बेस मैं रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप इसमें बेस 2000 वाट को बेस चार ओम पे चलाए, इतना अच्छी खासी पंच नहीं मिलेगा, मैं आपको बता देता हूँ। क्योंकि पावर एम्पलीफायर है, अगर आप हमेशा थोड़ा पावर एम्पलीफायर अगर आपकी बड़ा हो तो आपको अच्छा है, ये अगर 2000 वाट है तो कम से कम 2200 वाट अगर ये देता चार ओम पे तो ठीक है, 2000 वाट होता तो भी, ये अगर 2000 वाट चार ओम पे देता तो भी होता, लेकिन इससे कम तो मुश्किल है। तो मेरे ख्याल से अगर आप चलाएंगे तो इतना अच्छा आपको खास रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो दूसरी सवाल पर चलते हैं, 850 वाट की दो टॉप, तो 850 वाट टॉप इन जनरल तो चार ओम का ही होता है जैसे कि हम बात करते हैं, और क्योंकि दो आपको लगा है पैरेलल पे तो चार ओम, जैसे यहाँ पे हमने दिखाया कि 2 8 ओम जब पैरेलल होता है तो चार ओम होता है, तो यहाँ पे दो दो चार ओम जब मिलेंगे, ये चार दो यहाँ पे दो स्पीकर है 8 ओम के, तो 850 वाट चार ओम पे, ये भी 850 वाट चार ओम पे होता है, तो दोनों मिलके 1700 वाट। अब चार ओम को पैरेलल करेंगे तो आधा हो जाएगा 2 ओम, 1700 वाट और 2 ओम। अब ये एम्पलीफायर आपको देता है दो दो ओम पे 2000 वाट, और आपको चलाना है कम 1700 वाट, तो चल जाएगा कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से चलेगा, कोई दिक्कत होगा नहीं, क्योंकि 2000 वाट देगा ये 1700 वाट खींचेगा, बढ़िया है मस्त चलेगा, आपके टॉप बहुत अच्छा बजेगा यहाँ पे, क्योंकि आपको हेडरूम 300 वाट की है, बस थोड़ा सा आप करिए क्योंकि टॉप है, तो आप थोड़ा अगर इनपुट जो गेन है ज़्यादा ना करें, आप जो मिक्सर की जो आउटपुट है वो आप थोड़ा ग्रीन ग्रीन से तक रखें, रेड तक ना जाए, जो व्यू मीटर है उसको रेड तक जाने ना दें, ताकि आपकी जो स्पीकर की जलने की चांसेस वो थोड़ा कम हो जाएगी, लेकिन इतने में स्पीकर जलेगा नहीं, क्योंकि 2 ओम पे देखिए थोड़ा ज़्यादा करंट लेता है, आपको ज़्यादा पावर मिलेगा, तो इसीलिए 2000 वाट तो है, इसीलिए थोड़ा अगर आप इनपुट गेन पे ज़्यादा डिस्टोर्शन ना दें तो ये बढ़िया अच्छा स्पीकर बजेगा, बहुत अच्छे चलेगी, आप अच्छे से इसको चला पाओगे। तो चैनल 2 पे ये दोनों आराम से चल पाएंगे, चैनल 1 पे ये दो बेस मुझे नहीं लगता कि इतनी पंचिश पंचस देगा। हाँ अगर ये 800 800 वाट का होता, या 650 वाट की 650 वाट की दो बेस अगर होता तो बढ़िया होता, जो आहो जाके 650 वाट की होता है, जो 1300 वाट 1600 1500 वाट देगा, 1300 वाट की दो बेस मस्त चलेगा यहाँ पे चार ओम पे। तो मुझे लगता है कि इस वीडियो में आपको बहुत सारी जानकारी हमने देने की कोशिश की है, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर लाइक करें, हमने जैसे बात किया शेयर करें, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को जो नए हैं, सब्सक्राइब करने के लिए आपको सब्सक्राइब वाला बटन को दबाना है और बेल आइकन को प्रेस करना है, ताकि आपकी हर वीडियो को नोटिफिकेशन आपके पास चला जाए, और अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, जो वीडियो मैं नहीं कहता वो सारे वीडियो, जो वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप लगता है कि हाँ इससे किसी दूसरे की मदद हो पाएगी, तो आप ज़रूर आपकी फेसबुक पे व्हाट्सएप पे और ट्विटर पे और कहीं पे भी जितने भी सोशल मीडिया है इंस्टाग्राम पे इसको आप शेयर कर दीजिए बहुत मात्रा में, ताकि हर किसी का मदद हो सके। क्योंकि मैं आपको हमेशा बोलता हूँ साउंड वाले नहीं बताते आपको सारा चीज़, ये चीज़ आपको कोई डिटेल में नहीं बताता, तो मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, आपकी हेल्प करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो आप इस वीडियो की जितने लोगों को नीड है वहाँ तक भेजिए, और किस पता नहीं किसका दुआ आपको लग जाए,
तो वो है। और एक चीज़ मैं बताने वाला हूँ, अभी जो लोग यहाँ पे लास्ट तक देख रहे हैं वीडियो को, जरूर भाई लाइक कर दो और शेयर कर दो। और मैं बहुत जल्दी कुछ केस स्टडीज लेने वाला हूँ, जो कि आपको लाइव पे वीडियो में आपको दिखाऊंगा, कुछ सेटअप्स दिखाऊंगा बहुत जल्दी। आज हो सकता है कि बहुत जल्दी इसका वीडियो आ जाएगा, कुछ केस स्टोरी बहुत जल्दी आने वाला है, तो वो उसके के लिए भी रेडी रहिए। बहुत नए नए टॉपिक पे हम लोग बात करने वाले हैं बहुत जल्दी, सस्पेंस है वो सारे टॉपिक, क्योंकि अभी बहुत सारा नॉर्मल टॉपिक हो गया, अभी बहुत सीरियस टॉपिक पे मैं आने वाला हूँ। तो वीडियो को देखते रहिए, चैनल के साथ बने रहिए ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने के लिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, स्वच्छ भारत।